हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल नूतन सूर्यो। आप सभी को मेरे चैनल में है ढेर सारी स्वागतम सभी को और नमस्कार। तो आज ब्लॉग में क्या दिखाऊंगी क्या नहीं दिखाऊंगी मैं तो सोच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि दिमाग में लॉकडाउन में ऐसा कुछ कंटेंट आ ही नहीं रहा था। क्या हुआ, कल रात को सडनली मेरी एक रिलेटिव्स का मैसेज आया कि आपका ब्लॉग 11 बज गया अभी तक आया नहीं यूट्यूब में, मैं तो वेटिंग में हूँ, आपका ब्लॉग कब चालू करोगे, कब डालोगे, कब अपलोड करोगे। तो ऐसे मैंने कल कुछ शूटिंग नहीं किया और मंगलवार था एज यूजुअल, मतलब भेज खाना बनाना पड़ता है उसके लिए थोड़ा मतलब जद्दोजहद करना पड़ता है कि क्या बनाओ, हैप्पी रखूँ कैसे सबको, ये ऑल दिस घिट पिट थिंग्स। तो कल मैंने बेसिकली कुछ शूट ही नहीं किया, लेकिन फिर रात को जब उनका मैसेज आया तो लगा कि चलो आज कुछ करती हूँ। तो वही पुराने चीज को नए ढंग से नए तरीके से दोहराने की कोशिश कर रही हूँ और देखती हूँ आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। कोशिश करूंगी कि आप लोगों को अच्छा लगे। ये देखो मैं वाटरमेलन खा रही हूँ, तो मैं जब तक ये वाटरमेलन खत्म करती हूँ तब तक आप लोग देख लीजिए मेरा आज का ब्लॉग। आज मैं कोई मास्क बनाना नहीं दिखाऊंगी, ये मैंने एक मास्क का पैटर्न काट के रखा है। ये वाला मास्क बनाना बहुत आसान है और ये मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। इधर में जो मेजरमेंट लिखा हुआ है ये अकॉर्डिंग टू ये मेजरमेंट आपको कपड़ा लेना है और उसके बाद इधर से 3 सेंटीमीटर, इधर से नहीं ये 3.5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, फिर ऐसे अपने को पॉइंट बना के ऐसा एक पैटर्न बना लेने का है। आप यूट्यूब में देख सकते हो। फिर ये कपड़े पेपर को डबल फोल्ड करके अपने को पैटर्न बनानी होती है और इसको फिर हम खोलेंगे तो हमको ऐसा एक मिलेगा पैटर्न मास्क बनाने के लिए। तो मास्क जब आप बनाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो छोड़ है इसको हम स्टिच कर देंगे और बाकी का ऐसा रखने देंगे। इसमें 2 लेयर मास्क बनाना ही ज्यादा दिखा है। तो ये मास्क बनाने मुझे बहुत इजी लगा और टाइम भी बहुत कम लगता है और कपड़ा भी आप बहुत छोटे छोटे कपड़े के पीसेस से भी आप इसको बना सकते हो। तो प्लीज आप लोग को अगर मिलता है तो देखिए। और ये इधर से ये 3 सेंटीमीटर ये कुछ 3 सेंटीमीटर से ज्यादा ही है क्या, 3 सेंटीमीटर है, इसको इधर से ऐसा फोल्डिंग करना है अपने को कपड़े को की इलास्टिक वगैरह इंसर्ट करने के लिए, तो हमारा मास्क बन जाएगा। तो वही पैटर्न को फॉलो करके मैंने ऐसा ये वाला कपड़ा आप लोगों ने पहले भी देखा है मेरा, एक पुराना कॉटन कपड़े का वो है कपड़ा है, तो जिससे मैंने ये लिया। नेल पेंट भी मैचिंग हो रहा है ना, उखड़ा हुआ नेल पेंट ये बहुत बोरिंग होता है, लगाने के टाइम इंटरेस्ट होता है, निकालने के टाइम तो नहीं होता है मुझे इंटरेस्ट। तो मैंने ऐसे 2 पल्ला इसका काट के दिखा देती हूँ मैं। 2 पल्ला ये बैक साइड है, एक फ्रंट साइड है और एक बैक साइड है। तो ये पैटर्न को मैंने यहाँ पे बिठा के मैंने इसको सिल लिया, खाली अपने को ये जगह स्टिच करना रहेगा। मैं तो ऐसे ही धागे वागे से स्टिच कर रही हूँ। ये आज इतना दिन हो गया लॉकडाउन का लेकिन मैंने अपने लिए कभी भी मास्क नहीं बनाई, लेकिन आज जो ये मास्क मैं बना रही हूँ खुद के लिए बनाने की कोशिश कर रही हूँ और देखती हूँ कैसा बनता है। अगर अच्छा बनेगा, हमेशा के लिए तरह ही बोलूंगी, अगर अच्छा बनेगा तो आप लोगों के सामने बनेगा, अगर बुरा बनेगा तो भी आप लोगों के सामने। तो ये ज्यादातर देखोगे तो 2 लेयर मार्क्स दिखाता है। हाँ, इसको मैंने अपने जुगाड़ू तरीके से 3 लेयर बना दिया। ये एक टुकड़ा कपड़ा था जिसको मैंने सेम ये जो पैटर्न है यहाँ पे बैठा के हाफ फोल्ड करके इसका नाप ले लिया और इसको मैंने इधर से अंदर के ओर से जो किनारे वाला हमको सिलाई करना है उसके साथ सिलाई करके रखी हूँ। जब इसको हम जोड़ेंगे तो इसके साथ खींच के ये पोर्शन को भी जोड़ देंगे तो बन जाएगा हम लोगों का 3 लेयर मास्क। ये तो हो गया मास्क का डिटेल।
अभी मैंने पता नहीं सोचे कि नहीं रखा कि मैं क्या करूंगी क्या बनाऊंगी, तो मैंने इधर ले लिया कुछ फेविक्रिल का एक्रिलिक कलर, फैब्रिक कलर। पता नहीं ये बहुत पुराना है मेरा ये सारे कलर, तो अभी ये चलेगा कि नहीं, कंसिस्टेंसी इनका ठीक हो गया है क्या हो गया है मुझे पता नहीं, खोलने के बाद ही मालूम पड़ेगा। बहुत दिन इन सब से काम नहीं किया, तो बेटे से उधारी में ये ब्रश लिया, ये उनका ब्रश है। और आप लोग देख रहे हो एक छोटा सा कप है, मास्क के ऊपर पेंट करने के लिए आपको कप का जरूरत होता है। अभी कैसे जरूरत होता है, जरूरत पड़ता है कप का, तो फॉलो करिए मेरा आगे का वीडियो। एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ एज यूजुअल, मैं अपने व्यूअर्स को बहुत प्यार करती हूँ इसलिए ज्यादा बकबक करती हूँ, आप लोगों को आगे जाके कोई परेशानी नहीं हो इसलिए बकबक करती हूँ, ठीक है। एनीवे, ये मैंने पहले दिखाया था ये छोटा वाला डायमीटर वाला कप, आप अगर छोटे बच्चों के लिए मास्क बना रहे हो तो ये वाला कप यूज कर सकते हो, जिसके साथ मेरा हो गया इलास्टिक लगा के रेडी, अभी दूसरे साइड को भी मैं लगा लूंगी। हो गया मेरा मास्क बनके पूरा तैयार, ये रहा मास्क का एक साइड, ये रहा दूसरा साइड, तो मैं दिखा देती हूँ कैसा लगता है पहनने के बाद। ये परफेक्ट, और ये वाला मास्क जो बनता है ना, इसमें बात करने में भी बहुत आसानी होता है और कोई दिक्कत नहीं होता है बात करने में, सांस भी अपना बराबर मतलब लिया जा सकता है। ये वाला बहुत अच्छा है, ये वाला पैटर्न का मास्क। दूसरे वाला साइड भी दिखा देती हूँ, जो मेरा बेटे ने डिजाइन किया, वो अच्छा ड्राइंग करता है, आप लोगों ने शायद पहले भी देखा है उनका ड्राइंग, तो उन्होंने ऐसे कार्टून वाली एक
अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ। और बताइए नूतन छुट्टियों के चैनल के बारे में, जहां आपको हर दिन ये नहीं दिखाया जाता है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ये वो, हर दिन बाहर जाओ, घर के अंदर बैठ के आप कैसे टाइम पास कर सकते हो, क्या क्या क्रिएटिविटी कर सकते हो, उसका थोड़ा थोड़ा झलक और थोड़ा थोड़ा नजारा। तो मुझे दीजिए आज जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे अगले दिन, पता नहीं कल भी मिल सकते हैं या दो दिन बाद या अगले सप्ताह। ठीक है, खुश रहिए, घर के अंदर रहिए, बाय बाय, टेक केयर, और दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।